हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एक्वेरियम लवर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आया हूँ न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें आप देखेंगे कोई भी गोल्ड फिश एक्वेरियम को कैसे सेटअप करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने इसमें एक वाइट सेंट का यूज किया है, जो कि मुझे 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिला था। और फ्रेंड्स, मैंने ये रिवर रॉक का इस्तेमाल किया है, जो तालाब नदियों फ्रेंड्स तालाब और नदी में मिलते हैं, वो वाले रॉक मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये मैं लाया था। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्लांट्स का यूज किया है। ये आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट हैं। ये मैंने 50 रुपीज़ के हिसाब से पर ख़रीदा है। और फ्रेंड्स, देखिए आप वीडियो, ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रहा हूँ। और पानी में यही नॉर्मल वाटर यूज करूँगा, जो कि पाइपलाइन में से आता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी फिल कर दिया है और मैंने इसमें फ़िल्टर भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगा 4 या 5 डेज़ के लिए, जब तक इसमें बैक्टीरिया नहीं हो जाता। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा टैंक तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइकिल करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना टैंक जो है वो साइकिल करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये 5-6 दिन में साइकिल होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए मैं इसमें शाम को 2-4 दाने फिश फूड के डालते रहूँगा, जिससे कि बैक्टीरिया बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।